हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। और आज हम ट्रैवल करते करते पहुंच गए हैं बालका तीर्थ मंदिर में। और दोस्तों, ये जो बालका तीर्थ मंदिर है वो सोमनाथ में ही स्थित है। और अगर इसकी हम दूरी की बात करेंगे तो सोमनाथ रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर की है। और हमारा जो पहला ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग, उससे इसकी दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर ही है। तो अभी हमने जो अपनी गाड़ी है यहाँ पर पार्क कर दी है, और यहाँ पे कोई नॉर्मली किसी तरह की पार्किंग नहीं बनाई हुई है। आप यहाँ पर साइड रोड के साइड में आराम से अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारी व्हीकल यहाँ पे पार्क है। तो अभी हम दोस्तों इस मंदिर के अंदर चलेंगे, और इस मंदिर की क्या खासियत है दोस्तों, और इस मंदिर से जुड़े क्या क्या बातें हैं, उसकी भी चर्चा हम अंदर चल के करेंगे। तो हम प्रभु श्री कृष्ण को दोस्तों जानते ही हैं, और हमने श्री कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीला जो है वो जानी है, उनके जीवन के बारे में जाना है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने द्वारका में जो उनका निवास स्थान है उसके बारे में भी जाना। लेकिन यहाँ से दोस्तों जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी क्या चीज़ इस मंदिर से जुड़ी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे अंदर घूमते घूमते बताता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं, और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आज का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मैं इस मंदिर के बारे में आपको बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा जो शायद आप लोग को मालूम ना हो। तो अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने श्री कृष्ण के जीवन के बारे में पढ़ा है, तो ये जो जगह है दोस्तों, वो श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनके मृत्यु से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि हम शास्त्रों में लिखा है कि जब श्री कृष्ण भगवान इस जगह पे दोस्तों कुछ आराम करने के लिए आए थे, कुछ रेस्ट करने के लिए आए थे, और वो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे, ये वही जगह है दोस्तों, जो मंदिर है ये वही जगह है। तभी एक बहेलिया था जिसे कुछ शिकार के लिए वो निकला था, और उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, उसे ऐसा लगा कि वो किसी हिरन की आँख को देख रहा है। लेकिन दोस्तों, वो एक्चुअली में हिरन की आँख नहीं थी, और वो जो बहेलिया था वो हिरन की आँख समझकर और अपना जो धनुष था उसने धनुष से तीर को छोड़ दिया, और वो जाके सीधे श्री कृष्ण के जो पाँव का तलवा था दोस्तों वहाँ पर जाकर लगा, और हमारे जो कृष्ण हैं वहीं पर बैठे रहे। तब जब बहेलिया वहाँ पर जाके उसने देखा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान श्री कृष्ण पर ये जो तीर था वो चला दिया, और वो श्री कृष्ण के पास आकर माफ़ी मांगने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। लेकिन श्री कृष्ण उसे बोले कि ये होनी थी, इसे होना ही था, जो मेरा ये शरीर है, जो मेरा विष्णु का ये 8वां अवतार है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं श्री कृष्ण जो हैं विष्णु भगवान के 8वें अवतार हैं, तो उनका इस धरती से जाने का समय आ गया था। और जो ये बहेलिया है उनसे उन्होंने बोला कि आप केवल एक माध्यम हो मुझे इस शरीर से मुक्त करने के लिए, तो आप विलाप नहीं करो, ये होनी थी, ये आपसे करवाया गया है, ये एक होनी है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है दोस्तों कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो लेटे हुए हैं, और सामने जो बहेलिया है वो हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि भगवान जो मेरे से गलती हो गई उसकी आप क्षमा याचना करें। और हमारे श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोल रहे हैं, बस ये तो होनी था, आप एक माध्यम थे मुझे इस शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए। तो आइए दोस्तों, ये तो यहाँ की जो स्टोरी थी वो थी। अब हम यहाँ पे मंदिर में आसपास भी कई सारी चीज़ें हैं, उसे भी देखेंगे, और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, तो अभी हमने जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे उनको देखा, और जो उनके सामने बहेलिया हाथ जोड़कर बैठा है उन्हें भी देखा। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है
वो काफ़ी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। और जो दर्शन के लिए लोग यहाँ पर, दोस्तों जो भी लोग सोमनाथ दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो हम आगे थोड़ा आकर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो भगवान शिव शंभु हैं, शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, और हमारे भगवान हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पर राइट साइड में बनाई हुई है। तो मंदिर के अंदर ही दोस्तों और भी भगवान की मूर्ति बनाई हुई है। और अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर जब भी शाम में आरती होती है दोस्तों, तो ये जो भी इक्विपमेंट रखे हुए हैं ये यूज होते हैं। दोस्तों तो अभी हमने भगवान श्री कृष्ण की भव्य आरती देखी और हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया कि यहाँ की जो आरती है कितनी भव्य होती है। और यहाँ पे प्रसाद वितरण भी हो रहा है और लोगों का जो है हुजूम लगा हुआ है ताकि वो प्रसाद जो हमारे श्री कृष्ण का प्रसाद है वो ले सकें। और यहाँ नताशा भी प्रसाद के लिए लाइन में लगी हुई है और इसको भी प्रसाद यहाँ मिल गया। तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं और जब भी हम दोस्तों मंदिर में आते हैं तो एक बार उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं ताकि जो हमारी मन्नत है जो हम भगवान से मांगते हैं वो हमें मिले। तो अभी यहाँ पर नताशा भी है और जो मंदिर की परिक्रमा कर रही है, साथ में मैं भी मंदिर का परिक्रमा कर लेता हूँ ताकि जो हमारे जितने भी संकट है वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो है वो हर लेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले लेते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोग मंदिर के परिसर में ही हैं और जितने भी पिलर्स लगे हैं दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छी कलाकृति जो है बनाई हुई है। और ये फ्रेंड्स जो मंदिर है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पे जो पीपल के वृक्ष हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पीपल के वृक्ष लगे हुए हैं। और अभी थोड़ा दोपहर का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो इसी परिसर में और भी मंदिर हैं उसके भी हम दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो सामने का जो एरिया है, शाम के टाइम पे जब भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। और इस मंदिर के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि यहाँ पर इस चीज़ में क्या लिखा हुआ है। तो अभी राइट साइड में एक छोटा सा मंदिर है दोस्तों, तो आइए वहाँ पर चलते हैं और चल के हम भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों तो अभी मैं जिस मंदिर की आपको बात कर रहा था ये वही मंदिर है जो हमारा जो मेन मंदिर है उसके बगल में ही एक छोटा सा मंदिर स्थित है। तो इसके अंदर भी हम चलेंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन हम एक बार दोस्तों इस साइड से जो हमारा मेन मंदिर है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर अभी हमने दर्शन किए, उसको हम एक बार साइड व्यू देख लेते हैं कि वो कैसा है। तो ये मंदिर काफ़ी विशालकाय देखने में लग रहा है दोस्तों और जो इसकी कलाकृति बनी हुई है काफ़ी अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो लहरा रहा है
और जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो दोपहर का टाइम है दोस्तों, काफ़ी धूप है, लोगों के पैर जल रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और वो दर्शन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों पानी वगैरह भी छीटा गया है ताकि लोगों का जो पैर है वो ना जले और श्रद्धालु आसानी से भगवान के दर्शन कर सकें। तो चलिए अभी हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर चल के भगवान के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंदी भगवान बाहर विराजमान है, इसका मतलब कि अंदर हमारे शिव शंभु विराजमान है। तो आइए हम अपने भोलेनाथ देवों के देव महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसा कि ऊपर दिख रहा है कि ऊपर एक लोटा है और उनसे धीरे धीरे जो पानी है वो हमारे भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है ताकि उनका जो पूजा है वो कंटिन्यू होता रहे। तो आप भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस शिवलिंग के दर्शन कीजिए और यहाँ पे एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा भी बनाई हुई है। तो चलिए अभी यहाँ से हम आगे निकलते हैं। अभी हम लोग दोस्तों मंदिर के साइड में आ रहे हैं और यहाँ पे एक मंदिर के साइड में एक छोटा सा कुंड है जो आपको दिख रहा है। तो ये कुंड दोस्तों इसी मंदिर क्षेत्र के अंदर में ही बनाया गया है। दोस्तों तो मंदिर में हमने जिस गेट से एंट्री की थी वो साइड का गेट था और जो मेन गेट था वो ये है दोस्तों। और यहीं पे बगल में एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी बना हुआ है और ये दोस्तों जो हमारा बालका तीर्थ मंदिर है उसका मेन गेट है। दोस्तों तो अभी हम लोग बालका तीर्थ मंदिर से बाहर आ गए हैं और दोपहर हो चुकी है तो हमने सोचा कि हम लंच कहीं रुक कर कर लें। तो रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर हम बैठ कर लंच कर लेते हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो था दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बालका तीर्थ से जुड़ी जो बातें थी जितना मुझे पता था मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूं। और काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म की चीज़ें और उनके जितनी भी लीलाएँ हैं हमें मालूम है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो हमारे श्री कृष्ण थे उन्होंने अपना जो ये शरीर था वो कब त्यागा था और कैसे त्यागा था और कहाँ त्यागा था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सारी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों जल्द ही मिलेंगे हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।